are the antibodies created after the first dose of the vaccine or is this a myth? I think what he's trying to say is ki pehli dose sirf ek dose ke baad hi kya antibodies receive hoti hain ya nahi. अरुण जी, जैसे ही पहली डोज हमारे लगती है उसके चंद दिनों के अंदर बॉडी में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स माउंट होना शुरू हो जाता है. और खाली एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं होता, उसमें हमारे एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है जिसमें बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं, उनमें भी मेमोरी होती है और वो भी वायरस को किल बॉडी में आने से रोकने में मदद करती हैं. ये दोनों ही सिस्टम्स पैरेलली एक्टिवेट हो जाते हैं और पहली डोज के बाद भी कुछ लेवल तक उनका रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन वो शायद उस लेवल तक नहीं पहुंचता जितना हमें वायरस से कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए चाहिए. इसीलिए हमें सेकेंड डोज की जरूरत होती है कि पहले डोज ने एक काम कर दिया जिसने कहते हैं ना कि जमीन तैयार कर दी, और जो दूसरी डोज गई उसने बूस्टर का काम किया तो उसने उस तैयार हुई जमीन पे एक अच्छा सा गार्डन खड़ा कर दिया. तो सेकेंड डोज के दो वीक्स के बाद जो हमारे लेवल पहुंचते हैं वो ये माना जाता है कि हमें प्रोटेक्शन के लिए एडिक्वेट होंगे. लेकिन मैं यहां क्लैरिफाई कर दूं कि जहां तक हमारी दोनों वैक्सीन का सवाल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसमें 70-80% प्रोटेक्शन मिलता है. यानी कि अगर 100 लोगों ने वैक्सीन लगवाई दोनों डोज, उसके दो हफ्ते के बाद अगर वो 100 के 100 लोग इन्फेक्शन को एक्सपोज हुए तो शायद 70-80 को तो इन्फेक्शन नहीं होगा, 20-30 लोगों को इन्फेक्शन फिर भी हो जाएगा. लेकिन धारणा यह है कि वो मोस्टली 100% नहीं, मोस्टली माइल्ड होगा और उनको आईसीयू एडमिशन, वेंटिलेटर या डेथ की पॉसिबिलिटी कम है. कुछ हफ्तों पहले तक हम ये मानते थे कि ये वाली पॉसिबिलिटी जीरो है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में डॉक्टर्स की, नर्सेस की, फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन के बाद भी डेथ्स हुई हैं. तो आज हम ये मानते हैं कि ये संख्या जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब का खतरा वैक्सीन लगवाने के बाद बहुत बहुत लो है. इसलिए समझदारी वैक्सीन लगवाने में ही है.